और यादव, कोरोना इज एयरबॉर्न, आप कैसे, आप भी कितने बड़े अफसर हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी साइंटिस्ट रहा हूँ। मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ। आप पहले मास्क लगाना, आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है। एयरबॉर्न तो आपको मास्क लगाना चाहिए, पहले बिल्कुल मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाओ आप। मैं मास्क लगा के बोल रही हूं। जो गाइडलाइन गवर्नमेंट रिलीज करती है, जो उनका विजडम है, हम उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल आज पर हम किसी गवर्नमेंट के विजडम को चैलेंज नहीं कर सकते। तीन दिन पहले कोरोना नहीं था, आज कोरोना है। हम ये नहीं कह रहे कि तीन दिन पहले कोरोना नहीं था, तीन दिन पहले भी कोरोना था, लेकिन जो गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो परसों के दिन आई है, उसको फॉलो करना है। गाइडलाइन आरटीपीसीआर की है यादव जी। मैडम आरटीपीसीआर की है क्योंकि कोरोना के केसेस स्पाइक हुए हैं, उसको देखते हुए आरटीपीसीआर उन्होंने बोला करने के लिए। पहली चीज आपने गाइडलाइन पढ़ा है, आपने कहा है जिन जिन स्टेट्स में 5% से ज्यादा है वहाँ से आरटीपीसीआर रोक जाएगी। वेस्ट बंगाल में 5% है ही नहीं भाई साहब। सारे पॉइंट हमने कम्युनिकेट कर दिए हैं और अभी दोबारा मैंने बता दिया, तीन बार बता दिया, सुबह इनको 11 बजे आके भी बताया। एक्चुअली मैं वही चाह रहा हूँ कि डिबेट की बात नहीं है, तो बात देखिए सर, कम्युनिकेट कर चुके हैं। लास्ट मोमेंट में इतना बड़ा फिगर है सर, लास्ट मोमेंट में है, सुबह में बोल दिया। ये सुबह का बात नहीं है सर, ये 24 आवर्स नहीं हो सकता। आप ये कलकत्ता वाला सर 24 घंटा होते किसी होते पारे बोलूँ तो उन्हें थाना रात से 12 टाइम हमारे सामान पार्टी चले गए। डिले क्यों हुआ सर? मैं बताऊं डिले क्यों हुआ। कल मैंने शाम को आपके जो यूथ कन्वेनर थे बापू चक्रवर्ती, उनको मैंने बोला था कि इमीडिएटली रिप्लाई दो, उन्होंने रात को 11 बजे हमको रिप्लाई दिया, इसलिए डिले हुआ। ये हमारे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने उनको बोला कि आप जल्दी दो, उन्होंने बोला कि सर मैं मुझे होगा तो सर हम 11 बजे तक ऑफिस में बैठे हैं आपके रिप्लाई का वेट करने के लिए, लेकिन आप जल्दी नहीं दे सकते। আপনি যতটা বলছেন ওরকম জলদি করা যায় না, এটা একটা পলিসি ডিসিশন পাঠিয়েলো। हमारा भी डिसीजन, अच्छा आपका पॉलिसी डिसीजन तो आप तो आपको देखना चाहिए था ना कि 48 आवर्स के पहले हमको रिप्लाई देना। आर की थी होबे रेल रोको होलो 144 होलो आर की होबे सर। इसके लिए नहीं है, मैं मेरा जो पुलिस पॉइंट ऑफ आर की होबे ठीक है समझ गया। आप देखिए यहां पर नहीं हो सकता। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू इफ वी गिव एन अंडरटेकिंग that we will not get more than 700 people, you'll allow it here? Madam. See, हाँ या ना में जवाब दे। Undertaking break होता है, उसके बाद क्या होगा? एफपीआर देना पड़ेगा। जो होगा होगा। Legally क्यों करना है? वो आप कर लीजिए। अगर loan order बिगड़ेगा उसके बाद में यहाँ पर मतलब undertaking is not good enough for you. Why? नहीं नहीं। It's not good enough. Undertaking हमारे legal उसमें आता ही है। আমি বলি ওরা বারবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাগুলো বানচাল করছিল, সকালে এক কথা বিকেলে এক কথা, কিচ্ছু না পেলে করোনা। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, আমরা এখানে পারমিশন নিয়ে সভা করছি, হঠাৎ করে ওদের করোনার কথা মনে হয়েছে, সেটাও ওয়েস্ট বেঙ্গলের পুরো ডেটা রং যে 5% বেশি 26 অক্টোবরে ছিল। সো আমি মনে করি যে এটা পুরোপুরি অন্যায়। সি বিজেপি লেজে গুবরে হয়ে গেছে, দে আর ফিনিশড ইন ত্রিপুরা, আর ওরা হলো ডুবতে কো তিনকে কা সাহারা, যে পার্টিটা ডুবে যাচ্ছে ও হাবুডুবু খাচ্ছে, এটাই এটাই কারণ অভিষেক বাবুকে না আসতে দেওয়া। যাই হোক, আমাদের বিভিন্ন জেলার মানুষকে এই ভেনিউটা অলরেডি বলে দেওয়া হয়েছে, হঠাৎ করে ভেনিউ বদলালে সবার কাছে খবর আমরা পৌঁছাতে পারবো কি না সেটা আমাদের দেখতে হবে, বাট দিট ইজ টোটালি আরবিট্রারি। পুলিশ পুরো বিপ্লব দেবের হাতের পুতুল হয়ে গেছে বসছে, পুলিশ ত্রিপুরার পুলিশ ত্রিপুরার জনসাধারণের নিরাপত্তা দিতে পারছে না। আপনারা দেখেছেন সমস্ত দেশ ছিছি করছে ত্রিপুরা পুলিশের উপরে, যেভাবে দোকানপাট সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আর পুলিশ কোন রকমের পলিটিক্যাল লিডার পলিটিশিয়ান হঠাৎ করে, কারণ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যারা অভিষেক বাবুর সিকিউরিটি দায়িত্বে আছে ওদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে। ওনাদের বক্তব্য ওনাদের কাছে কোনো অফিসিয়াল কিছু যায়নি, অভিষেক বাবুর সিকিউরিটি দায়িত্বে যারা আছে যে প্রোগ্রাম বন্ধ করতে হবে, দ্যাটস দ্য প্রবলেম, কমিউনিকেশন প্রবলেম বলছে। সি বারবার একটা একটা বাধা দিচ্ছে, আমরা ওই বাধাগুলো যখন
পার করছি আরেকটা বাধা দিচ্ছে। প্রথম ওরা বলল পারমিশন দিব 15টা কন্ডিশন, 15 কন্ডিশন, আর আমি বলছি ঠিক আছে। তো বলে আপনারা 700 বেশি করতে পারবেন না, ঠিক আছে। ওটাও যখন ঠিক আছে বললাম, এখন 100 জনের বেশি এক্সিট করবো না।